प्रदेश में एक बार फिर कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी है। बात करें दिल्ली एनसीआर की तो राजधानी दिल्ली में गुरुवार को कोरोना के दो नए मामले सामने आए। दोनों संक्रमित मरीजों ने नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। इसमें यह पता लगाया जाएगा कि कहीं वे कोरोना के सब वेरियंट JN.1 से संक्रमित तो नहीं है। और वही दिल्ली एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संजीव लालवानी ने कहा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी की गई है। वही अब बात कर ले कर्नाटक की तो कर्नाटक में कोरोना के मामले में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। COVID-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर अब राज्य सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। सरकार ने गुरुवार को अधिकारियों को हिदायत देते हुए पॉजिटिव मामलों का पता लगाने के लिए टेस्ट बढ़ाने को कहा है। नया वेरिएंट जो है JN.1 के बारे में पहले ही केंद्र सरकार ने डॉक्टर मनसुख मांडविया जी हमारे माननीय मंत्री जी है उन्होंने सभी राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर के साथ बैठक भी की है VC द्वारा और सभी राज्यों को निर्देश भी दिए हैं। उस निर्देश में कहा गया है कि जहां भी हमारी स्क्रीनिंग टेस्टिंग चल रही है पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं तो उनका जीनोम सिक्वेंसिंग भी किया जाए। मुझे लगता है हर एक राज्य में वो टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है और जीनोम सिक्वेंसिंग भी हम देख रहे हैं, हम मॉनिटर भी कर रहे हैं और खास करके अभी जो छुट्टियां चल रही है तो थोड़ा सावधानी बरके डरने की चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि JN.1 जो है वो सब वेरिएंट है तो इसकी चिंता की कोई अभाव नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा अलर्ट रहे जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं या जो फिर कोई हमारे पेशेंट एडमिट है सीनियर सिटीजन से उनमें थोड़ी सावधानी बरके इस बारे में निर्देश दिए गए। वही सरकार ने यह भी कहा है कि जैसे जैसे नए साल का त्यौहार सीजन नजदीक आ रहा है जिलों के सभी सार्वजनिक अस्पतालों को मरीजों के इलाज के लिए कुछ ICU बेड COVID-19 आइसोलेशन वार्ड के रूप में स्थापित करने चाहिए।